morning to everyone and welcome to lecture number 29. आज के इस लेक्चर नंबर 29 में हम ये सीखेंगे कि डेली रूटीन, जैसे आपको बताया था कि जो सिंपल प्रेजेंट टेंस हैं वो डेली रूटीन के लिए भी यूज़ किया जाता है. तो यहाँ पे देखिए, आज हम इसी के लिए लेंगे पेज नंबर 41. तो 41 नंबर पेज पे आपको देखना है, इसी में सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में डेली रूटीन से रिलेटेड क्वेश्चन किए गए हैं. तो सबसे पहले आपको क्या याद रखनी है, एक बहुत ही अच्छी कहावत दे रखी है यहाँ पे, देखो क्या लिख रखा है. यहाँ से मैं पढ़ूँगा तो आपको यहीं से देखना है. दोस्तों, अंग्रेज़ी में एक बड़ी प्रसिद्ध कहावत है, कहावत को इंग्लिश में कहते हैं प्रोवर्ब. वर्ब शब्द आपने सुना होगा, वर्ब यानी क्रिया, प्रोवर्ब यानी कि कहावत. तो ये वर्ड आपने पहले सुना होगा, प्रोवर्ब का मतलब होता है कहावत. अब ये कहावत क्या है, मैंने सुना, मैं भूल गया, मैंने देखा, मुझे याद रहा, मैंने किया और मैं समझ गया. बहुत ही अच्छी कहावत है, मेरी भी बहुत फेवरेट है. अब इसको आप समझने की कोशिश करो क्या कहा जा रहा है इसमें. सबसे पहले एक मैंने सुना तो मैं भूल गया. अगर आप कोई भी चीज़ सुनोगे तो ऑब्वियसली आप भूल जाओगे. मैंने देखा, मैंने देखा, मुझे याद रहा. अगर आप कोई भी चीज़ देखोगे तो आपको याद रहेगा. मैंने किया और मैं समझ गया. और जब आप वो चीज़ खुद ट्राई करोगे तो आपको खुद को समझ में आ जाएगा. तो कहने का मतलब, कोई भी चीज़ हम सुनेंगे तो भूल जाएंगे, देखेंगे तो याद रहेगा और करेंगे तो आपको खुद को समझ में आ जाएगा. ओके? तो आपको कोई भी चीज़ करके समझना है, चाहे इंग्लिश लैंग्वेज की क्लास हो या कुछ भी आपके किसी भी सब्जेक्ट का, जब तक आप खुद नहीं करोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा. आप इसको लर्न कर लीजिए, मैंने सुना, मैं भूल गया, मैंने देखा, मुझे याद रहा, मैंने किया और मैं समझ गया. यानी कि आई हियर, आई फॉरगॉट, आई सी, आई रिमेंबर, आई डू एंड आई अंडरस्टैंड. ओके? तो आई हियर मतलब मैंने सुना, आई फॉरगॉट. अब हियर मतलब सुनना होता है. आई हियर, आई फॉरगॉट, वैसे हियर्ड होना चाहिए, सेकेंड फॉर्म आना चाहिए, लेकिन कहावत के अंदर एज इट इज़ जैसा आपको इसमें बताया हुआ है उसी को फॉलो आपको करना है. तो आई हियर मतलब मैंने सुना, आई फॉरगॉट मैं भूल गया, फॉरगेट की सेकेंड फॉर्म है ये, फॉरगॉट मैं भूल गया. आई सी मैंने देखा, आई रिमेंबर मुझे याद रहा. आई सी, आई रिमेंबर, मैंने देखा, मुझे याद रहा. आई डू एंड आई अंडरस्टैंड, मैंने किया और मैं समझ गया. वैसे हिंदी का अर्थ पास्ट का आ रहा है, इंग्लिश का प्रेजेंट का आ रहा है, लेकिन कहावत है तो कहावत में एज इट इज़ लिखा जाता है, आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है. इस कहावत को हमेशा, इस प्रोवर्ब को लाइफ टाइम के लिए आपको लर्न कर लेना है. क्या बोलेंगे, आई हियर, आई फॉरगॉट, आई सी, आई रिमेंबर, आई डू एंड आई अंडरस्टैंड. यानी कि मैंने सुना, मैं भूल गया, मैंने देखा, मुझे याद रहा, मैंने किया और मुझे समझ में आ गया. आई हियर, आई फॉरगॉट, आई सी, आई रिमेंबर, आई डू एंड आई अंडरस्टैंड. मैंने सुना, मैं भूल गया, मैंने देखा, मुझे याद रहा, मैंने किया, मैं समझ गया. इस तरह से आप इसको याद कर लेंगे. ओके? चलिए आगे क्या है, आइए अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से अपनी दिनचर्या, दिनचर्या मतलब क्या होता है, डेली रूटीन के बारे में विस्तार से बताया जाता है और इससे संबंधित सवालों के जवाब
कैसे दिए जाते हैं। ग्रामर यानी व्याकरण के हिसाब से ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल के अंदर होते हैं। आज प्रश्नों के साथ साथ उनके उत्तर भी देना सीखना है, यानी कि प्रश्न भी होंगे और उनके साथ साथ आपको आंसर देना यानी कि उत्तर देना भी आपको सीखना है। तो चलिए हम डेली रूटीन से रिलेटेड प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है। नंबर वन, सबसे पहले आपको गेटअप यानी कि उठना है। उठने के बाद आपको क्या करना है? हैव यानी कि क्या लेते हैं, चाय कॉफ़ी। पहले आपको उठना है, फिर चाय कॉफ़ी पीना है, फिर आपको हैव ब्रेकफास्ट यानी कि नाश्ता करना है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सबसे पहले आपको उठना है, उठने के बाद आपको चाय कॉफ़ी लेनी है, चाय कॉफ़ी लेने के बाद नाश्ता करना है, और नाश्ता करने के बाद आपको रीड न्यूज़पेपर करना है यानी कि अखबार पढ़ना है। यानी ये जो अभी क्वेश्चन है इनको दो कैटेगरी में डिवाइड करूँगा, एक कैटेगरी में चार चीज़ों को रखूँगा और अगली कैटेगरी में वापस मैं चार चीज़ों को रखूँगा। तो पहली कैटेगरी मैं फिर से रिपीट करता हूँ, पहली कैटेगरी क्या है? पहली कैटेगरी है आपको उठना है, उठने के बाद चाय कॉफ़ी दूध कुछ भी लेना है, उसके बाद आपको क्या करना है? नाश्ता करना है, नाश्ता करने के बाद अखबार पढ़ना है। बस ये चार को एक ब्लॉक में आप रख लीजिए। पहले गेटअप, उठना मतलब गेटअप, फिर चाय कॉफ़ी लेनी तो हैव टी एंड कॉफ़ी, फिर ब्रेकफास्ट लेना है तो हैव ब्रेकफास्ट, फिर अखबार पढ़ना है तो रीड न्यूज़पेपर। ये चार चीज़ें आप फर्स्ट ब्लॉक में रखेंगे। फिर अगले चार में क्या रखेंगे? आप नाश्ता हो गया, आप उठ भी गए, चाय भी पी ली, फिर आपने दूध भी पी लिया, मान लो चाय दूध कुछ भी पी लिया, फिर आपने नाश्ता कर लिया, नाश्ता करने के बाद अखबार पढ़ लिया। पहले ये चार चीज़ें आपको करनी है। अब अगली चार चीज़ें क्या है? टोटल एट क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट फोर में क्या है? अब ऑब्वियसली आपका अखबार पढ़ लिया, अब कहाँ निकलोगे आप? लीव फॉर स्कूल, स्कूल के लिए निकलोगे। लीव फॉर स्कूल मतलब स्कूल के लिए निकलना। अब निकलोगे तो आप वापस भी आओगे। अच्छा चलो ठीक है, पहले स्कूल जाना है, स्कूल जाने के बाद आप नेक्स्ट कैसे जाते हैं वो आपको बताना है। लीव फॉर स्कूल यानी कि स्कूल के लिए निकलना है, फिर आपको कैसे जाते हैं, हाउ डू यू गो टू स्कूल यानी कि आप कैसे जाते हैं, साधन से जाते हैं, पैदल से जाते हैं, वो बताना है। स्कूल के लिए निकलना है, फिर उसके बाद कैसे जाते हैं ये बताना है, फिर स्कूल गए तो वापस आना है रिटर्न, और फिर गो टू बेड यानी कि सो जाना है। तो इस सेकेंड ब्लॉक में आपको चार चीज़ें याद रखनी है। अब वो चार चीज़ें क्या हैं? सबसे पहली स्कूल के लिए निकलना है, स्कूल कैसे जाते हैं वो बताना है, फिर स्कूल से वापस आना है और सो जाना है। तो आज हमने इस लेसन में लेक्चर नंबर 29 के जो भी 8 क्वेश्चन आपको विद आंसर लर्न करने हैं उसको हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहली कैटेगरी आपकी आ रही है, फर्स्ट कैटेगरी में उठना है, चाय कॉफ़ी लेनी है, फिर नाश्ता करना है और अखबार पढ़ना है। ये पहले ब्लॉक में 4 क्वेश्चन हो गए। फिर सेकंड ब्लॉक में हम क्या करेंगे? स्कूल के लिए निकलना है, फिर स्कूल कैसे जाते हैं ये बताना है, स्कूल से वापस आते हैं वो बताना है और सो जाना है। यानी नेक्स्ट चार जो हैं क्वेश्चन वो उससे रिलेटेड बनेंगे। ओके, तो चलिए अब शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। आपको दो ब्लॉक याद रखने, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। उठना है, उठने के बाद चाय कॉफ़ी लेनी है, चाय कॉफ़ी लेने के बाद आपको क्या करना है?
नाश्ता करना है, नाश्ता करने के बाद आपको क्या करना है, अखबार पढ़ना है। अखबार पढ़ने के बाद फर्स्ट ब्लॉक कंप्लीट हो गया, सेकंड ब्लॉक में नेक्स्ट 4 क्वेश्चन कौन से हैं, फिर आपको स्कूल के लिए निकलना है, फिर स्कूल कैसे जाते हैं यह बताना है, फिर उसके बाद वापस कब आते हैं और बेड पे कब जाते हैं, गो टू बेड यानी कि सोने कब जाते हैं। ये 8 तरह के क्वेश्चन विद आंसर आपको आज के लेक्चर में सीखने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप किसी से बिना प्रश्न पूछे तो शायद ही आज किसी का दिन पूरा होता हो। तो प्रश्न पूछने की जो कला है वो सुकरात के ज़माने से चली आ रही है। पहला जो फिलोसोफर था वो सुकरात, उसके ज़माने से प्रश्न पूछने की कला चली आ रही है। अगर आपको क्वेश्चन पूछना आ गया इंग्लिश में तो आपको इंग्लिश बोलना आ गई, क्योंकि आंसर तो हर कोई ले लेता। जैसे मैं आपसे पूछूं व्हाट इज़ योर नेम, तो आप बोले माय नेम इज़ दे, लेकिन व्हाट इज़ योर नेम तो पूछना आना चाहिए ना, तभी इंटरेक्शन और कॉन्वर्सेशन की शुरुआत जो होती है वो आपके इसी से होती है। जब तक आप प्रश्न नहीं पूछेंगे तो आपके लेसन की शुरुआत नहीं होगी। क्लियर? चलिए सबसे पहले गेटअप करना है, फिर भी एक बार इंग्लिश में रिपीट करता हूँ। गेटअप, हैव टी और कॉफ़ी, हैव ब्रेकफास्ट, देन रीड न्यूज़पेपर। ये फर्स्ट ब्लॉक, फोर्थ ब्लॉक में हो गए। नेक्स्ट फोर्थ ब्लॉक में क्या हो गए, लीव फॉर स्कूल, हाउ डू यू गो टू स्कूल, ओके, देन थर्ड रिटर्न, व्हेन डू यू रिटर्न, वापस कब आते हैं, देन लास्ट व्हेन डू यू गो टू बेड सोने कब जाते हैं। ये तो अब हम पहला प्रश्न इन फर्स्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्या कह रहा है, व्हाट टाइम डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग। आपने सिंपल प्रेजेंट पढ़ा है, अब सामने वाले से पूछेंगे तो यू से ही पूछेंगे, तो आप देखो इसमें भी यू आ रहा है, इसमें भी यू है सामने वाले से पूछ रहे हैं, यू है तो सब प्रश्न हम सामने वाले से पूछेंगे तो सब में क्या होगा, यू होगा। क्लियर? इसमें भी यू। तो यू के साथ, जैसा कि आपको पता है कि इंटरोगेटिव नेगेटिव में डू या डस का यूज़ होता है, तो इन सब में डू का यूज़ होगा। क्लियर? तो आप देखो सब में, सबके आगे हमने क्या लगा रखा है, डू। ओके, तो आपको सिंपल प्रेजेंट आता होगा। अभी तक लेक्चर 28 तक आपने जो सीखा है वो ही आपको इसमें अप्लाई करना है विथ आंसर्स। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, अब प्रश्न पूछेंगे तो आंसर देंगे, तो आई यू का आई हो जाएगा, ये यू है। मैंने आपसे पूछा तो आपको, आप कितनी बजे उठते, तो आपको बोले मैं इतनी बजे, तो यू का आई हो गया। तो आई के साथ सब में फर्स्ट फॉर्म, आंसर में सब में फर्स्ट फॉर्म आपको लगानी है। क्लियर? आई गो, लाइक, आई रिटर्न, तो आई वी यू यू दे के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है। ही शी इट सिंगुलर के साथ ए सी एस सफिक्स एट होता है, ये अफर्मेटिव। अभी हम देखें तो ये टाइप 5 है और ये आंसर देंगे टाइप 1 में। क्लियर? चलो, तो पहला सवाल आपका ये बनता है, बिना टाइम को वेस्ट किए आज सबसे पहला आप सवाल पूछते हैं। सबसे बढ़िया बात इसमें यह है कि इसमें प्रोनंसिएशन भी यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए आप, अगर आपको इंग्लिश में पढ़ना नहीं आ रहा है किसी को, तो प्रोनंसिएशन भी यहाँ पे लिखा है। सबसे पहले उठना है, तो उठने के लिए आप सवेरे कितनी बजे उठते हैं, ये सवाल आपसे पूछना है। तो आप, मैं आपसे पूछूंगा, व्हाट टाइम डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग। इन सबको लर्न करना है एज इट इज़। ओके, व्हाट टाइम डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग, आप सवेरे कितनी बजे उठते हैं। What time do you get up in the morning? What time do you get up in the morning? What time do you get up in the morning? फिर आपको आंसर देना है, I get up करके टाइम के पहले at लगा देना है। जैसे मान लो आप 6:30 पे उठते हैं, तो आप क्या बोलेंगे, I get up at 6:30, यानी कि मैं सवेरे 6:30 पर उठता हूँ। अगर आप 7:30 बजे उठते हैं तो एक गंदी आदत है, 5:30 बजे उठते हैं अच्छी बात है, तो आप क्या कहेंगे, I get up at 5:30 इन द मॉर्निंग, भी आप चाहें तो लगा सकते हैं, क्योंकि 5:30 उठते हैं मॉर्निंग में ही। ओके, तो ये कॉमन सेंस की बात होती है। क्लियर? उठ गए, उठने के बाद अगला क्या था, चाय लेनी, कॉफ़ी लेनी है, तो क्वेश्चन पूछेंगे क्या क्या बीच में आता है, व्हाट को आगे करना है, सब में व्हाट, व्हेन, इनको क्या, कब, कहाँ, कैसे, ये सब कुछ बीच में आता है, तो इनके WH को हम क्या कर देते हैं,
आगे कर देते हैं। नेक्स्ट, व्हाट डू यू हैव इन द मॉर्निंग, टी और कॉफ़ी, आप सवेरे क्या लेते हैं, चाय लेते हैं कॉफ़ी लेते हैं। तो यहाँ पे दो चीज़ें बताई गई हैं, एक तो मोस्टली और एक समटाइम्स। तो मोस्टली मतलब ज़्यादातर और समटाइम मतलब कभी कभार। जैसे ज़्यादातर तो मैं मान लो ज़्यादातर बिस्किट खाते हैं तो मोस्टली बिस्किट, और कभी कभार यानी कि ओकेजनली या कभी कभार ये खा लेते हैं तो कभी कभार के लिए हम यूज़ करते हैं समटाइम्स। तो यहाँ पे क्या कहा है, देखो मोस्टली ब्रेड टोस्ट, ज़्यादातर क्या खाते हैं, ब्रेड टोस्ट, बट लेकिन समटाइम्स कटलेट्स, लेकिन कभी कभार कटलेट्स भी खाते हैं। कटलेट्स आपने बहुत सारे खाए होंगे, मेरे भी फेवरेट हैं। तो आप भी आपकी जो पसंद है जो यहाँ पे आप लगा सकते हैं, ज़रूरी नहीं आप कटलेट्स ही लगाएं, आप कुछ भी लगा सकते हैं जो आपकी चीज़ फेमस या फेवरेट हो, जो आप ज़्यादा पसंद करते हैं वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं, ये आपके ऊपर है। ओके, चलिए सबसे पहले उठे, उठने के बाद उठे तो व्हाट टाइम डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या था, दूसरा क्वेश्चन था व्हाट डू यू हैव इन द मॉर्निंग, टी और कॉफ़ी। अब व्हाट डू यू हैव फॉर योर ब्रेकफास्ट, अगला है व्हाट डू यू हैव फॉर योर ब्रेकफास्ट। देखो अब व्हाट डू यू हैव इसमें भी है और व्हाट डू यू हैव इसमें भी है, बस फर्क क्या है, यहाँ पे ब्रेकफास्ट के लिए पूछा जा रहा है, यहाँ पे टी कॉफ़ी के लिए पूछा जा रहा है। तो हैव पीने के लिए भी यूज़ होता है, हैव खाने के लिए भी यूज़ होता है। तो हैव हम पीने के लिए यूज़ कर सकते हैं, हैव खाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, खाना पीना दोनों के लिए हैव यूज़ होता है इंग्लिश में। व्हाट डू यू हैव फॉर योर ब्रेकफास्ट, यानी कि आप नाश्ते में क्या लेते हैं, ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट मतलब भी इसके पीछे भी एक स्टोरी है, ब्रेकफास्ट मतलब क्या होता है, सुबह का नाश्ता। अब देखो ये वर्ड बना कैसे, मैं आपको बताता हूँ, ये दो वर्ड से मिलके बना है, ब्रेक और फास्ट, ये दोनों जब मिलते हैं तो ब्रेकफास्ट हो जाता है। अभी आप देखो जैसे आप ब्रेकफास्ट मतलब सुबह सुबह का नाश्ता लेते हैं, अभी आप रात को खाना खा के सो जाते हैं, तो रात को क्या करते हैं आप, खाना खा के सो जाते हैं। तो रात से ये सब नहीं, रात को 2 बजे उठ के खाना खा लेते हैं या 12 बजे उठ के खाना खा लेते हैं या 1 बजे 1 बजे उठ के खाना खा लेते, नहीं करते ना। तो रात को जब आप खाना खा के सोते हैं तो सुबह तक आपका क्या हो जाता है, रात से सुबह तक का फास्ट। मुश्किल से आप रात को क्या करते होंगे, पानी पीते होंगे, तो पानी पीते तो व्रत में, फास्ट में, तो वैसे ही फास्ट का मतलब व्रत या उपवास कुछ भी कह लो, फास्ट उपवास व्रत कह लो, तो व्रत में आप पानी पीते तो उससे व्रत आपका टूटता नहीं है, ये फैक्ट है ना। तो रात को जब आप खाना खा के सोते हैं तो सुबह तक आप कुछ भी नहीं खाते, तो रात से सुबह तक आपका क्या हो जाता है, फास्ट हो जाता है। और सुबह आपने उठ के पोहे पराठे कुछ भी खा लिए तो उसको क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। रात से आपका सुबह तक क्या था, फास्ट था, तो उसने आपने क्या किया, उसको सुबह उठ के उसको ब्रेक कर दिया, यानी कि उसको तोड़ दिया है, तो इसलिए वो ब्रेकफास्ट बन गया। कितना कमाल का फैक्ट है इसके पीछे, हर एक वर्ड के पीछे कुछ ना कुछ स्टोरी होती है। तो आपको क्या करना है, उस स्टोरी को भी देखना है, ये वर्ड कैसे बना ब्रेकफास्ट। ये तो आपका रात से लेके सुबह तक का क्या होता है, व्रत होता है। तो सुबह उठ के आप क्या कर लेते हैं, उसको ब्रेक कर लेते हैं, तो वो ब्रेकफास्ट बन जाता है। कितना आसान है। तो व्हाट डू यू हैव फॉर योर ब्रेकफास्ट, यानी कि आप नाश्ते में क्या लेते हैं। तो ज़्यादातर लेते हैं तो मोस्टली बोलना है, मोस्टली ब्रेड टोस्ट बट समटाइम कटलेट्स, कभी कभार हम कटलेट्स खा लेते हैं और ज़्यादातर ब्रेड टोस्ट खा लेते हैं। कुछ भी आप जो बोलना चाहें वो इसमें वैलिड है। फिर इसका लास्ट क्या है, अखबार पढ़ना है। सबसे पहले उठे, उठने के बाद चाय ली, कॉफ़ी ली, चाय कॉफ़ी दूध लिया, उसके बाद तीसरे नंबर पे आपने नाश्ता किया, नाश्ता करने के बाद जो चौथी कैटेगरी है अखबार पढ़ना है। तो कौन सा अखबार, तो कौन से अखबार को इंग्लिश में कहते हैं, विच न्यूज़पेपर। कौन सा अखबार जब बीच में आता है तो विच न्यूज़पेपर को हम आगे कर देते हैं। विच न्यूज़पेपर डू यू रीड, यानी कि आप कौन सा अखबार पढ़ते हैं। तो जो पढ़ते हैं तो यू का आई हो जाएगा, जैसे आपको कहना है कि मैं टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ता हूँ, तो आई रीड और उस पेपर का नाम आपको ले लेना है। जैसे आई रीड टाइम्स ऑफ इंडिया, मैं टाइम्स ऑफ इंडिया
पढ़ता हूँ। आई रीड टाइम्स ऑफ इंडिया, आई रीड दैनिक भास्कर, आई रीड राजस्थान पत्रिका, जो कुछ भी आप पेपर पढ़ते हैं उसका नाम आपको ले लेना है। क्लियर? चलिए, एक ब्लॉक तो आपका कंप्लीट हो गया। मैं रिपीट कर देता हूँ, पहले ब्लॉक में व्हाट टाइम डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग, व्हाट डू यू हैव इन द मॉर्निंग, टी और कॉफ़ी और मिल्क, व्हाट डू यू हैव फॉर योर ब्रेकफास्ट, विच न्यूज़पेपर डू यू रीड। ये चार क्वेश्चन थे पहले वाले ब्लॉक के अंदर। अब दूसरे वाले ब्लॉक के अंदर चलते हैं। दूसरा वाला ब्लॉक जो है उसमें है आप स्कूल के लिए कब निकलते हैं, है ना, यानी घर से आप स्कूल के लिए कब निकलते हैं। लीव मतलब होता है निकलना, लीव। ओके, तो व्हेन डू यू लीव फॉर स्कूल, आप स्कूल के लिए कब निकलते हैं। तो यू का क्या हो जाएगा, आई और लीव, ऐसा कैसा वर्ब रख के एड करके टाइम बता देना है। ओके, क्लियर? आई लीव एट, और आपको क्या करना है टाइम बता देना। आई लीव एट 9 o'clock, 8 p.m. सॉरी पी एम नहीं, सॉरी am, 8 a.m. 9 a.m. ऐसे आप कुछ भी बोल सकते हैं। पहला ब्लॉक आपका कंप्लीट हो गया। अब आते हैं आप दूसरे ब्लॉक में। दूसरे ब्लॉक का पहला ये हो गया लीव फॉर स्कूल। दूसरा क्या हुआ, कैसे जाते हैं। अब आप स्कूल तो जाते हैं, लेकिन स्कूल कैसे जाते हैं, बस से जाते हैं, पैदल जाते हैं, वैन से जाते हैं, कैब से जाते हैं, कैसे जाते हैं। क्लियर? तो देखो, हाउ डू यू गो टू स्कूल, आप स्कूल कैसे जाते हैं। तो आई गो बाय, बाय मतलब कोई भी साधन, बाय बस, बाय बाइसिकल, बाय स्कूटी, इस तरह से बाय लगाना उसके आगे बहुत जरूरी, क्यों, बाय साधन से पहले बाय लगता है। आई गो बाय, गो बाय नहीं बोलना है, आई गो बाय, अगो बाय ऐसे नहीं बोलना है। आई गो बाय बस, आई गो बाय स्कूटी, आई गो बाय कार, आई गो बाय बाइसिकल, कुछ भी आप बोल सकते हैं। हाउ डू यू गो टू स्कूल, आप स्कूल कैसे जाते हैं, आई गो बाय बस। क्लियर? नेक्स्ट, अब स्कूल जाते हैं तो वापस आते हैं, तो वापस आने को क्या कहते हैं, रिटर्न कहते हैं। तो व्हेन डू यू रिटर्न होम, आप घर वापस कब आते हैं। आई रिटर्न एट करके टाइम बोलना है, जैसे आई रिटर्न एट 4 o'clock, आई रिटर्न एट 5 o'clock, आई रिटर्न एट 3 o'clock, आई रिटर्न एट 2:30, कुछ भी आप बोल सकते हैं। क्लियर? अब रिटर्न होने के बाद वापस क्या करेंगे, आप सो जाएंगे। सो जाएंगे तो क्या कहेंगे, व्हेन डू यू गो टू बेड, आप सोने कब जाते हैं। व्हेन डू यू गो टू बेड, आप सोने कब जाते हैं। तो कैसे बोलेंगे, आई गो टू बेड एट करके और टाइम बोल देंगे, जैसे आई गो टू बेड एट 10:30। क्लियर? तो समझ में आया ये पूरा लेक्चर। इसको दो ब्लॉक में 8 questions आपको लर्न करने हैं। पहला क्वेश्चन ये है, व्हाट टाइम डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग। दूसरा, व्हाट डू यू हैव इन द मॉर्निंग, टी कॉफी और मिल्क भी जोड़ सकते हैं। फिर तीसरा क्वेश्चन, व्हाट डू यू हैव फॉर योर ब्रेकफास्ट। चौथा, विच न्यूज़पेपर डू यू रीड। पाँचवा, व्हेन डू यू लीव फॉर स्कूल। सिक्स नंबर, हाउ डू यू गो टू स्कूल। सेवन, When do you return home? Eighth, when do you go to bed? तो आज के लेक्चर में आपको ये 8 questions with answer आपको लर्न करने हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे आगे की क्लासेस, लेकिन आपको ये क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा से अच्छे से, बहुत ही अच्छे से लर्न करने हैं। फिर से एक बार, सबसे पहले उठना है, उठने के बाद चाय कॉफ़ी पीनी है, चाय कॉफ़ी पीने के बाद नाश्ता करना है, नाश्ता करने के बाद अखबार पढ़ना है, अखबार पढ़ने के बाद स्कूल के लिए निकलना है, स्कूल कैसे निकलते हैं वो बताना है, फिर स्कूल से वापस रिटर्न आते वो आपको बताना है, और फिर सोने जाते वो बताना है। टोटल 8 type questions। फर्स्ट है, व्हाट टाइम डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग, व्हाट डू यू हैव इन द मॉर्निंग, टी और कॉफ़ी, व्हेन डू, व्हाट डू यू हैव फॉर योर ब्रेकफास्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच न्यूज़पेपर डू यू रीड। इस तरह से 4 का एक ब्लॉग हो गया। फिर अगले 4 का, व्हेन डू यू लीव फॉर स्कूल, हाउ डू यू गो टू स्कूल, व्हेन डू यू रिटर्न होम, व्हेन डू यू गो टू बेड। ये 8 questions और ये एक प्रोवर्ब आज जो आई है इसमें आपको लर्न करनी है। आई हियर, आई फॉरगॉट, आई सी, आई रिमेंबर, आई डू एंड आई अंडरस्टैंड। मैंने सुना, मैं भूल गया, मैंने देखा, मुझे याद रहा, मैंने किया और मैं समझ गया। मैंने देखा, मैंने सुना, मैं भूल गया, मैंने देखा, मुझे याद रहा, मैंने किया, मैं समझ गया। आई हियर, आई फॉरगॉट, आई सी, आई रिमेंबर, आई डू एंड आई अंडरस्टैंड। इस तरह से आपको इसको लर्न करना। ओके, ऑल द बेस्ट। आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लेक्चर नंबर 30 में हम आगे सीखेंगे बहुत सारी चीज़ें। लेकिन आज के लेक्चर में ये 8 questions आपको पिछली साल स्कूल में भी लर्न करवाए थे, और बहुत ही अच्छे से आपको लर्न करना है। क्लियर?
ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय।